सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के बाद जो नाम सुर्खियों में है वो नाम है रोहित गोदारा का, जिसने हत्या की जिम्मेदारी ली है। वहीं सुखदेव की हत्या के बाद हत्यारों की तलाश जारी है। ऐसे में पुलिस रोहित गोदारा के घर पर भी पहुंची। रोहित के बारे में लगातार सवाल किए जा रहे हैं। रोहित कहाँ है, कब बात की, क्या करता है, पूछा जा रहा है। सुखदेव की हत्या से जुड़े सवाल भी पूछे जा रहे हैं। रोहित का परिवार इन सवालों और पुलिस पूछताछ से परेशान हो चुका है। रोहित की मां ने रोहित से अपील की है कि वो अपराध छोड़ दे, लेकिन जो देश छोड़कर चला गया वो अपराध छोड़ेगा ये संभव नहीं है। लेकिन एक अपराधी के अपराधों की सजा परिवार भी भुगतता है। रोहित गोदारा के परिवार को भी भुगतना पड़ रहा है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के बाद जो नाम सुर्खियों में है वो नाम है रोहित गोदारा का, जिसने हत्या की जिम्मेदारी ली है। वहीं सुखदेव की हत्या के बाद हत्यारों की तलाश जारी है। ऐसे में पुलिस रोहित गोदारा के घर पर भी पहुंची। रोहित के बारे में लगातार सवाल किए जा रहे हैं। रोहित कहाँ है, कब बात की, क्या करता है, पूछा जा रहा है। सुखदेव की हत्या से जुड़े सवाल भी पूछे जा रहे हैं। रोहित का परिवार इन सवालों और पुलिस पूछताछ से परेशान हो चुका है। रोहित की मां ने रोहित से अपील की है कि वो अपराध छोड़ दे, लेकिन जो देश छोड़कर चला गया वो अपराध छोड़ेगा ये संभव नहीं है। लेकिन एक अपराधी के अपराधों की सजा परिवार भी भुगतता है। रोहित गोदारा के परिवार को भी भुगतना पड़ रहा है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के बाद जो नाम सुर्खियों में है वो नाम है रोहित गोदारा का, जिसने हत्या की जिम्मेदारी ली है। वहीं सुखदेव की हत्या के बाद हत्यारों की तलाश जारी है। ऐसे में पुलिस रोहित गोदारा के घर पर भी पहुंची। रोहित के बारे में लगातार सवाल किए जा रहे हैं। रोहित कहाँ है, कब बात की, क्या करता है, पूछा जा रहा है। सुखदेव की हत्या से जुड़े सवाल भी पूछे जा रहे हैं। रोहित का परिवार इन सवालों और पुलिस पूछताछ से परेशान हो चुका है। रोहित की मां ने रोहित से अपील की है कि वो अपराध छोड़ दे, लेकिन जो देश छोड़कर चला गया वो अपराध छोड़ेगा ये संभव नहीं है। लेकिन एक अपराधी के अपराधों की सजा परिवार भी भुगतता है। रोहित गोदारा के परिवार को भी भुगतना पड़ रहा है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के बाद जो नाम सुर्खियों में है वो नाम है रोहित गोदारा का, जिसने हत्या की जिम्मेदारी ली है। वहीं सुखदेव की हत्या के बाद हत्यारों की तलाश जारी है। ऐसे में पुलिस रोहित गोदारा के घर पर भी पहुंची। रोहित के बारे में लगातार सवाल किए जा रहे हैं। रोहित कहाँ है, कब बात की, क्या करता है, पूछा जा रहा है। सुखदेव की हत्या से जुड़े सवाल भी पूछे जा रहे हैं। रोहित का परिवार इन सवालों और पुलिस पूछताछ से परेशान हो चुका है। रोहित की मां ने रोहित से अपील की है कि वो अपराध छोड़ दे, लेकिन जो देश छोड़कर चला गया वो अपराध छोड़ेगा ये संभव नहीं है। लेकिन एक अपराधी के अपराधों की सजा परिवार भी भुगतता है। रोहित गोदारा के परिवार को भी भुगतना पड़ रहा है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के बाद जो नाम सुर्खियों में है वो नाम है रोहित गोदारा का, जिसने हत्या की जिम्मेदारी ली है। वहीं सुखदेव की हत्या के बाद हत्यारों की तलाश जारी है। ऐसे में पुलिस रोहित गोदारा के घर पर भी पहुंची। रोहित के बारे में लगातार सवाल किए जा रहे हैं। रोहित कहाँ है, कब बात की, क्या करता है, पूछा जा रहा है। सुखदेव की हत्या से जुड़े सवाल भी पूछे जा रहे हैं। रोहित का परिवार इन सवालों और पुलिस पूछताछ से परेशान हो चुका है। रोहित की मां ने रोहित से अपील की है कि वो अपराध छोड़ दे, लेकिन जो देश छोड़कर चला गया वो अपराध छोड़ेगा ये संभव नहीं है। लेकिन एक अपराधी के अपराधों की सजा परिवार भी भुगतता है। रोहित गोदारा के परिवार को भी भुगतना पड़ रहा है।